हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गुणनखंड से रिलेटेड यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो हम 60 में उससे भाग दे सकते हैं? अब हम एक एक करके पता करेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, हमें ट्रिक की जरूरत है। वो ट्रिक क्या है, देखिए आपको क्या करना, 60 में जैसे डिवाइड देते हैं ना, आप सबसे पहले 2 से दीजिए, 2 से देंगे 30 बार जाएगा, अभी 30 में फिर 2 से जा सकता है 15 बार, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15 5 बार, अब 5 से कट जाएगा ये एक बार, तो हमारे पास इसके गुणनखंड कितने आ गए, 2 × 2 × 3 × 5 यही तो निकल के आ गए। अब देखो यहां पे देखना है आपको कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट हुई है। 2 आपका 2 बार आया है ना, 2 आपका 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 एक बार आया है तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, और 5 एक बार आया तो 5 का पावर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, आपको मतलब है केवल पावर से, तो 2 पावर है ना, इसमें 1 जोड़ के लिखो 3 हो जाएगा, इस भी पावर में भी 1 जोड़ के लिखो 2 हो जाएगा, इस पावर में भी 1 जोड़ के लिखो 2 हो जाएगा, बस आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। 12 देख लीजिए किस ऑप्शन में सही जवाब है आपका, पहले ऑप्शन में दिया गया। सबसे सरल तरीका बताया है, एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही लिया है मैंने, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? आपको क्या करना है, 360 लिखना है, इसमें वही करेंगे जो अभी हमने किया था, सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कटाऊंगा मैं तो 180 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाऊंगा तो 90 बार में कटेगा, और फिर 2 से कटाऊंगा तो ये 45 बार में कट जाएगा, अब 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कटाऊंगा 15 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं, फिर 3 से कटाऊंगा तो 5 बार में कट जाएगा, अब 5 से कटाऊंगा तो 1 बार में, तो मेरे पास गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये मेरे पास गुणनखंड आया है। तो 2 मेरा देखो कितनी बार आया है, 2 3 बार आया ना, तो 2 की पावर में 3 कर दूंगा, ठीक है, इंटू 3 मेरे पास कितने बार आया, तो 2 बार आया तो 3 की पावर 2 कर दूंगा, और 5 मेरे पास एक बार आया तो 5 की पावर 1 कर दूंगा। अब जो पावर आई है इसमें एक एक और जोड़ देना है, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगी, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगी, और 1 में एक जोड़ेंगे 2, बस इनका आपस में आपको गुना करना है, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, बस सवाल का आंसर आ क्या, यही तो है आपका आंसर 24, पहला ऑप्शन। कितना सरल तरीका है, जबकि आप बेसिक मेथड से करने जाओगे तो 5-6 मिनट लगा दोगे और आंसर भी गलत आ सकता है, इस तरीके से कभी आंसर गलत नहीं आएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यह सवाल पहले वाले सवाल से अलग था, ठीक है, हमें यहां पे क्या करना होगा कि हमारे पास जो 15 है, ये जो 15 है इसके हमें फैक्टर करने हैं, 15 के, तो मैं 15 के फैक्टर करूंगा तो सबसे पहले तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 बार में, और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार में, तो मेरे पास गुणनखंड कितने आए, एक तो 3 आ गया और एक 5 आ गया, दो ही गुणनखंड तो है भाई, एक गुणनखंड ये है और एक, दोनों संख्या दो ही तो है, मैं मेरे पास गुणनखंड की संख्या कितनी है, 2, तो इस प्रश्न में बस यही करना है, जितने गुणनखंड की संख्या आई है उन संख्या से जो पावर आई है उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ गया 50, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, इसके आपने फैक्टर निकाली, आपको पता चल गया कि दो ही फैक्टर है, दो ही गुणनखंड है यानी कि दो ही संख्या में, तो 2 का मल्टीप्लाई पावर से कर देना है, आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 48 की पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखो यहां पे कितना आपके पास, 48, ठीक है 48, मैंने क्या बोला, पावर से नहीं, पहले हमने देखो 15 से वो किया था ना फैक्टर, पावर को ऐसे रहने दिया, ऐसे 48 की फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 से कटाएंगे 24 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे 12 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे 6 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में, अब 3 से कटाएंगे 1 बार में, हमारे पास फैक्टर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फैक्टर हैं, हमारे पास फैक्टर कितने हैं, 5, तो 5 लिखना है, पिछले क्वेश्चन में 2 फैक्टर आए थे हमने 2 लिखा, यहां 5 आए हैं तो 5 लिखना है, और जो पावर दी गई है उससे आपको गुना कर देना है, तो 5 का गुना 20 से कर दूंगा, आपको आंसर मिल जाएगा 100, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब है, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहां पे कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं में अंतर है 14 और योग है 20, तो उनका गुणनफल क्या होगा? देखिए कोई 2 संख्या है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या में y ले लेता हूं, अगर मैं दोनों का योग करता हूं तो योग मेरे पास कितना हो जाएगा भैया, योग कितना हो जाएगा नहीं पता,
अगर मैं उन दोनों का अंतर करता हूं, एक्स और वाई का, उन दोनों का अंतर करूंगा तो अंतर मेरे पास 14 दिया गया है, ये है मेरा सही जवाब। अब मैं इसको आसानी से बना लूंगा। देखिए दोनों का योग मेरे पास 20 है, यानी कि पहली संख्या एक्स दूसरी संख्या वाई मैंने ली है जिसका योग 20 है, और दोनों संख्याओं का अंतर मेरे पास 14 है, तो मैं यहां पे 14 लिख लेता हूं। इसमें कोई फर्क नहीं है कि मैंने अंतर को नीचे लिख लिया और योग को ऊपर लिख लिया, इसमें कोई अंतर नहीं है इस चीज से। चलिए अब देखिए x और x, ये x भी प्लस का, ये x भी प्लस का, तो 2x हो जाएंगे। ये y माइनस का और ये y प्लस का, तो प्लस माइनस के कट जाएंगे। अब 20 और 14 दोनों प्लस के हैं, इनको जोड़ूंगा तो ये 34 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 34 को जब हम कटाएंगे तो 17 बार में कटेगा, मतलब x का मान आपका कितना आ गया 17, यानी कि x जो है वो आपका 17 है। आपको चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए इस वैल्यू को, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आंसर सेम आएगा। चलिए x की वैल्यू मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, यानी कि x प्लस वाई बराबर मेरा कितना था 20 था, x का मान मेरा कितना है 17, तो मैं यहां 17 रख दूंगा, प्लस का y का मान मुझे बताना है कि गुणनफल बताना है, मुझे गुणनफल बताना होगा। ठीक है, गुणनफल y बराबर मेरा कितना है देखो 20। अब देखिएगा y का मान निकाल लूंगा मैं 20, ये प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17 हो जाएगा, तो y का मान मेरा कितना हो जाएगा 3, मेरे पास y का मान आ गया 3। अब मुझसे जो पूछा है, मुझसे पूछा है उनका गुणनफल, तो मेरे पास देखो x का मान मुझे पता है 17 है, y का मान 3 है, तो x का मान 17 y का मान 3, तीनों का गुणा कर दो, 17 तरीका 51 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई। x का मान 17 है, y का मान 3 है, गुणा ही तो पूछा है, तो गुणा हमने कर दिया, आंसर हमको मिल गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 42 है, यानी कि कोई दो संख्या मेरी x और 22, उन दोनों का योग मेरे पास 42 है और उनका गुणनफल 437 है। ठीक है, यानी कि x और y का मेरे पास अंतर मुझे नहीं पता कितना है, अगर मेरे पास इतना जरूर पता है कि दोनों का गुणा, यानी कि x और y अगर मैं दोनों का गुणा करूंगा तो मेरे पास 437 आना चाहिए, दोनों का गुणा, x का मान भी मुझे पता होना चाहिए, y का भी, और जब मैं दोनों का गुणा करूंगा तो 437 मेरा आ जाना चाहिए। ठीक है, ये है सवाल। अब मैं क्या कर सकता हूं, ऑप्शन से रख सकता हूं मैं यहां पे, या तो मैं चाहूं तो ऑप्शन में से रख लूं, चाहे मैं यहां पे डायरेक्ट करके देखूं, तो डायरेक्ट में तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि ऐसे पता करना बहुत मुश्किल है। चलिए मैं क्या करता हूं, ऑप्शन से सरल करता हूं, ऑप्शन में मेरे पास पहले 5 दिया गया, अगर मैं यहां पे 5 रखूंगा, दोनों का मान मेरे पास कितना 42, अगर मैं यहां पे x और y दोनों मेरे पास 42 है और दोनों का गुना मेरे पास 432 है, दोनों का योग 42, दोनों का गुना 432, तो मुझे इस 42 में देखो इधर करता हूं मैं x प्लस वाई, मुझे कोई दो संख्या ऐसी ले ली है जिनका योग मैं करूं तो 42 आ जाए और जिनका गुणा करूं तो 437 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेबल पहाड़े इसका मतलब आपको याद होना चाहिए, अगर टेबल और पहाड़े आपको याद है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, अगर याद नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप 23 का गुना 19 से करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 437 मिलेगा। ठीक है, अगर हम 23 का गुना 19 से करते हैं और 23 और 19 को जोड़ते हैं तो 42 मिलेगा, मैं पहले इनको जोड़ देता हूं भाई, 23 और 19 को जोड़ने से कितना मिलेगा 42 मिलेगा, और अगर मैं 23 और 19 का गुणा करता हूं तो कितना मिलेगा 437 मिलेगा। तो जब मुझे इतना पता है कि एक संख्या मेरी 23 है और दूसरी संख्या मेरी 19 है और दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर आ जाएगा 4, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो पहाड़े आपको कहीं ना कहीं बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अगर आपको यह याद नहीं है तो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है तो उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या है। भाई उसे लेना कितना चाहिए था 36, लेकिन उसने कितना ले लिया, गलती से 63 ले लिया, 63 जब उसने लिया तो उसका उत्तर कितना आया 24 आया, जबकि सही उत्तर कब आएगा जब 36 लोगे आप, तो पट्टे में क्या रखना है आपको 36, बस सवाल खत्म। 12 दुनिया का 24, 12 त्रिक का 36, 3 से कट जाएगा 63 21 बार में और 21 का 2 से कर लो तो 42, तो जो सही उत्तर आएगा ना वो 42 आ जाएगा, बी ऑप्शन सवाल का प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं, जैसे कभी भी कोई प्रश्न पूछे कि 63 मतलब 36 के बल दे 63 ले लिया, तो ये संख्या पलटी हुई है, 36 को मैं पलटूंगा 63 हो जाएगा, 36 को पलटूंगा 63 हो जाएगा, तो मेरा सही उत्तर आना चाहिए, उत्तर कितना है उसका 24, तो मुझे इसको भी पलट देना है 42 हो जाएगा।
कोई भी कहे कि उसने 24 के स्थान पे 42 ले लिया, ठीक है, तो उसका उत्तर मान लीजिए 20 आया। अब इसको जब मैं पलटूंगा तो 02 आएगा, यानी कि संख्याओं को बस पलटा जाता है, गलत उत्तर को पलट दो सही आ जाएगा, जैसे संख्याओं को पलटा गया ऐसे उत्तर को भी पलट दो आपका आंसर आ जाएगा, करेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ना, और लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।